तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, तो इससे पहले कि जैसे कि दोस्तों मैंने सिग्नेचर ड्राइवर के ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ था, ये बहुत ऐसे छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर मैं इस समय वीडियो लेकर गया हूँ, ताकि बहुत जितने भी सारे रिपेयरिंग करने वाले पर्सन है या हमारे रिपेयरिंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको आए दिन नई 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 प्रॉब्लम आती रहती है। जब नई नई प्रॉब्लम आती रहती है तो उसके लिए क्या है, उनको सोल्यूशन पता होना चाहिए। अगर वो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जाने अनजाने में हमारे स्टूडेंट्स नहीं है या उनको वीडियो मिल गई है, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको हेल्प मिल जाएगी कि वो इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आज दोस्तों मैं जो आपको बताने वाला हूं, ये टॉपिक जो हमारा होने वाला है, जो विंडो 11 आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं, विंडो 11 के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कि जैसे कि पहले कि मैंने मीडियाटेक के ऊपर लेकर गया था, आज हमारा जो टॉपिक है विंडो 11 के अंदर यदि क्वालिकॉम ड्राइवर में येलो कलर का ऐसे ट्रायंगल बनकर के आता है या क्वेश्चन मार्क बनकर के आता है, तो फोन प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं होता। जब फोन प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं होता तो उस कंडीशन पर हम लोग उस समस्या को कैसे ठीक करेंगे, उस समस्या के बारे में कैसे जानेंगे कि ये प्रॉब्लम आ गई है, इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ठीक करेंगे। अगर आपका कोई भी मोबाइल फोन, एक बात तो दिमाग खोल करके सुन लीजिए, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आता है और उस मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है और सॉफ्टवेयर संबंधित प्रॉब्लम है, अगर आप उसमें से लॉक खोलना चाहते हैं, फोन में फ्लैशिंग करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, वो दोस्त आप तभी कर सकते हैं जब आप मोबाइल फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करवा पाएंगे। अगर आप मोबाइल फोन को कनेक्ट नहीं करवा सकते तो आप मोबाइल फोन में कुछ भी नहीं कर सकते। मैं लिख भी देता हूं, मोबाइल फोन सिस्टम से यदि कनेक्ट नहीं होगा तो कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। तुम चाहे कुछ भी कर लो, सिर के बल उल्टे ठाड़ हो जाओ, तुम्हारे पास अनलॉक टूल ले लो, डोंगल ले लो, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर फलाना ढिमकाना सब कुछ, लेकिन अगर मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं हुआ तो आप उसमें सॉफ्टवेयर का पत्ता तक नहीं ला जा सकते। इतनी बड़ी बात मैं कहता हूं, क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन की सबसे पहले फर्स्ट चीज है कनेक्ट होना, और कनेक्ट होने का मतलब है कि एक अच्छे ड्राइवर का होना। अगर अच्छा ड्राइवर होगा तो वो मोबाइल फोन को कनेक्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमारा टॉपिक था, हम लोग चलते हैं आगे वीडियो ऊपर। तो दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मैं हाईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स कराए जाते हैं। यहां पर हम लोग बेसिक फोन से लेकर स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन, कीपैड, इस तरीके से जितने भी कैटेगरी के मोबाइल फोन आते हैं, सभी कैटेगरी के मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का तरीका हम लोग सिखाते हैं, और बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से आपको सिखाया जाता है। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली बात, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, क्वालिकॉम ड्राइवर के अंदर प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहली बात, क्वालिकॉम के जो ड्राइवर आते हैं वो सजी दो तरीके से आते हैं। एक तो पहला ड्राइवर आता है ऑटोमेटिक, दूसरा ड्राइवर आता है मैनुअल। एक आपका ऑटोमेटिक ड्राइवर आता है, दूसरा आपका ड्राइवर मैनुअल आता है। मैं आपको दोनों तरह के ड्राइवर को डाउनलोड करके आपको दिखाता हूं। दूसरी बात का, ये जो भी ड्राइवर होता है आप रिपेयर माई मोबाइल फोन की वेबसाइट से कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका नहीं काम करता तो मोबाइल गुरु 4, मोबाइल गुरु 4 से विंडो 10 का क्वालिकॉम का ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिए, यूज कर लीजिए और आपका मोबाइल फोन हो जाएगा। जब ये ऑटोमेटिक वाला ये कर लिया, जब नहीं हो रहा तो फिर आप मैनुअल वाला करेंगे। मैं आपको तीनों तरीके आपको करके बताता हूं, आपको दिखाता हूं कैसे आप मोबाइल फोन का करेंगे। और दूसरी बात का, आज हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो मैनुअल ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, मैनुअल ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, मैनुअल ड्राइवर को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। चलो चलते हैं अपने वीडियो पर, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। सबसे पहली बात, इसके डाउनलोड करने के लिए हमको चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये हम लोग कंप्यूटर पर आ गए। कंप्यूटर पर आने पर सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, गूगल खोलेंगे। गूगल खोल लिया। गूगल खोलने के बाद यहां पर गूगल पर जाएंगे, गूगल में हम लोग सर्च करेंगे क्वालिकॉम यूएसबी ड्राइवर रिपेयर माई मोबाइल।
वेबसाइट खुलेगी, आप इस वेबसाइट में ऑटो इंस्टॉलर, ऑटो मैनुअल, यहाँ पर दोनों तरह के ड्राइवर मिल जाते हैं। दोनों ड्राइवर का आप दोस्तों डाउनलोड कर लेंगे, देखिए आपके सामने ऐसा खुल जाता है, ये देखिए, देखिए ऑटो इंस्टॉलर और मैनुअल। तो हम लोग ऑटो मैनुअल दोनों कर लेंगे, वेलकम ऑटो इंस्टॉल ड्राइवर। हमने जैसे से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने क्लोज किया, ये हमारा प्रचार खुल जाता है, उसको बंद कर देंगे। फिर आप इसमें जाएंगे और इसमें से अगर आप देखेंगे तो नीचे मैनुअल का भी ऑप्शन आता है, मैनुअल ड्राइवर, आप मैनुअल ड्राइवर को भी डाउनलोड कर लेंगे, बहुत छोटा सा ड्राइवर होता। ये दोनों ड्राइवर आपके सामने डाउनलोड हो गए हैं, ये आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको कॉपी करके पहले डेस्कटॉप में पेस्ट कर देते हैं, ताकि मैं आपको दोनों ड्राइवरों के बारे में अच्छे से मैं आपको समझा पाऊं। ये देखिए वेलकम दोनों, ऑटो मैनुअल दोनों, हमने दोनों ड्राइवरों को यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अपने डेस्कटॉप में फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर के अंदर हम लोग उसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने सामने स्क्रीन पर फोल्डर बना लिया, इसका नाम रखा क्वाल काम ड्राइवर, वेलकम ड्राइवर नाम से फोल्डर बना लिया हमने, उसको फोल्डर को खोला। फोल्डर खोलने के बाद हमने ड्राइवर को ऐसे पेस्ट किया, दोनों ड्राइवर हमारे स्क्रीन पर आ गए। सबसे पहली बात, ये ड्राइवर आपका ऑटोमेटिक है, एक ड्राइवर मैनुअल है। अब ऑटोमेटिक इंस्टॉल करने के लिए पहले इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, ये फोल्डर आपका खुल गया जाएगा। दूसरा है, इसको भी राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, जैसे स्ट्रक्चर करेंगे खुल जाएंगे, दोनों ड्राइवर आपके सामने खुल के आ गए। अब आप क्या करेंगे, क्वालिकॉम ड्राइवर को पहले ओपन करेंगे, फिर ये पूछेगा कि आप 32 बिट का करना चाहते हैं कि 64 बिट का करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप 64 बिट को जाएंगे, 64 बिट को सेटअप को ओपन करेंगे, यस करेंगे। यस करने के बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। ये बोलेगा सिस्टम आप कॉन्फ़िगर, यस, चेंजेस आप कुछ करना चाहते हैं, रीस्टार्ट लेटर नो कर दीजिए कि रीस्टार्ट बाद में हो, हमने इसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारा मैनुअली ड्राइवर, ऑटोमेटिक ड्राइवर इंस्टॉल करने का तरीका है। मैनुअल का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, मैनुअल का तरीका ही हमको जानना है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि हमारा ड्राइवर मोबाइल, हमारा जो लैपटॉप होता है वो लैपटॉप ही हमारे मोबाइल फ़ोन को कई बार नहीं समझ पाता, ऐसा विंडो 11 के अंदर प्रॉब्लम आती है, विंडो 10 में भी प्रॉब्लम आती है, किसी के साथ में भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ऑटोमेटिक मैनुअल का मतलब होता है, ये फ़र्क होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि एक काम करिए, आप ऑफिस में वो चीज़ रखिए, आप उसको उठा लाइए, तो आप गए ऑफिस में जाते हो, उस चीज़ को उठा लाते हो। कई बार ऐसा होता है कि जब ऑफिस में जाते हो वो चीज़ आपको नहीं मिलती, तो नहीं मिलती तो मैं खुद आपको, आपके साथ जाता हूँ और मैं बोलता हूँ भैया देखो ये चीज़ रखिए, आप इसको उठा लीजिए, तब आप उस चीज़ को उठा लाते हो। तो दोनों रास्ते होते हैं, एक तो आप अपने मन से कर रहा है, नहीं कर रहा है तो मैं आपके साथ जाता हूँ। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब हमारा मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट कराया जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कंप्यूटर उसकी जो चिप होती है, क्वालिकॉम चिप होती है, उस क्वालिकॉम चिप को नहीं पहचान पाता, या उसको डाउट्स रहता है, संदेह रहता है, तो इसलिए वो येलो कलर का ट्रायंगल या क्वेश्चन मार्क बना करके देता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस समय पर जब मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर करेंगे या अनलॉक टूल के माध्यम से मोबाइल फोन को फॉर्मेट करेंगे, या डोंगल के माध्यम से मोबाइल फोन को फॉर्मेट करेंगे, FRP हटाएंगे, तो थोड़ा सा चलेगा और उसमें रेंज चेक एरर का ऐसा मैसेज आएगा या ड्राइवर का मैसेज आएगा, और ऐसे मैसेज आने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर छूट जाएगा और हमारा मोबाइल फोन में प्रोसेस नहीं होगा। तो फिर हम लोग बार बार परेशान होते हैं कि फोन तो कनेक्ट हुआ, ड्राइवर भी काम कर रहा है, कनेक्ट भी हुआ, लेकिन सही तरीके से नहीं। तो इसका मतलब है जो येलो कलर का ट्रायंगल है वो नहीं आना चाहिए, पूरा संपूर्ण अच्छी तरीके से मोबाइल फोन कनेक्ट होना चाहिए, बेहतर तरीके से। जब आपका फोन कनेक्ट होगा तभी आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा, ये बात आप समझ लीजिए। चलिए हम लोग मैनुअली ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैनुअली ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए क्वालिकॉम का ड्राइवर है, इसको हमने खोला, क्वालिकॉम ड्राइवर को हमने ओपन किया। ड्राइवर ओपन करने के बाद आप QC सर्वर फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर x86 लिखा है, इसका मतलब होता है ये 32 बिट है, और x64 लिखा है तो इसका मतलब है ये 64 बिट है। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें आपको नोट भी कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको इतना डिटेल में बताना चाहता हूँ,
ताकि हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसको कुछ नहीं मालूम है। अगर उसको जानकारी होता तो सीखता है क्यों, देखता है क्यों, इंटरनेट पर ढूंढता है क्यों। तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाली है। इसका मतलब 64 बिट, ओ यस, 32 बिट। तो हम लोग क्या करेंगे, 64 बिट ओएस और 32 बिट ओएस, तो ऐसा हम लोग इसमें सर्च करेंगे। फिर हमने सॉरी इसको X64 को ओपन करते हैं। X64 के अंदर अगर आप देखेंगे जितनी भी सारी फाइलें आती हैं, सभी फाइलों में से सिर्फ एक फाइल मेन काम की होती है, वो होती है क्यूसी सर्वर, और दूसरा होता है सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये वाली फाइल। हमेशा जब भी मैनुअली ड्राइवर को इंस्टॉल किया जाता है तो आपके सामने अगर कई सारी फाइल आती हैं, जैसे ये आपकी बैच फाइल आती है, बैच फाइल, सिस्टम फाइल, कैटलॉग फाइल, इन्फॉर्मेशन फाइल, तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन फाइल ही काम की होती है। कौन सी फाइल काम की होती है, इन्फॉर्मेशन। और जब आप मैनुअली सिलेक्ट करते जाएंगे तो यहाँ पर जितनी सहायक फाइलें होती हैं ये आपके कहीं नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ एक यही फाइल आप वहाँ पर शो होगी, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे और आपका ड्राइवर फट से मोबाइल फोन में कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे कनेक्ट किया जाता है, मैनुअली ड्राइवर को लोड कैसे किया जाता है, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को आगे पीछे करके एक दो बार देखो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी मिलेगा। हमने इसको क्लोज किया। अब मैनुअली ड्राइवर को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, मैनुअली ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली बार दोस्तों आप कहाँ पर जाएंगे, अपने डिस पीसी के अंदर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, डिस पीसी, डिस पीसी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ऑप्शन खुलेगा मैनेज का, मैनेज को खुल गया। मैनेज के अंदर ऑप्शन खुलेगा डिवाइस मैनेजर का, ये डिवाइस मैनेजर खुल गया। डिवाइस मैनेजर के बाद यहां पर जैसे ही आप कहीं के पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही यहां पर आपका पोर्ट का ऑप्शन आता है। किसका ऑप्शन आता है दोस्तों, पोर्ट का, PORT, पोर्ट, पोर्ट का मैसेज आता है। जैसे ये मिनी पोर्ट ऐसा मैसेज आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, और वरना जब आप मोबाइल फोन करेंगे तो यहां पर सीधे पोर्ट का ऑप्शन आता है। और मैं तो अभी इसमें आपको एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं, और आपके पास मोबाइल फोन आएगा तो सीधे आप पोर्ट में क्लिक करेंगे तो पोर्ट में येलो कलर का ट्रायंगल बन करके आएगा, उसमें क्वालिका हम HS ऐसा लिख करके आएगा, येलो कलर का ट्रायंगल होगा, आप उसी को सिलेक्ट करिएगा। जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही दोस्तों वहां पर अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन आएगा। जब अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन आएगा तो फिर आपका ब्राउज माई कंप्यूटर ड्राइवर, आपको ब्राउज माई कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको लेट्स पिक, कौन सा ड्राइवर को लेना है, लेट्स पिक, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। ऐसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछेगा हैव ए डिस्क, हैव ए डिस्क का मतलब ड्राइवर तुमने कहां पर रखा है, तो हैव ए डिस्क पे क्लिक करेंगे। जैसे हैव ए डिस्क पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा ब्राउज, ब्राउज का मतलब सर्च करो कहां रखा है, तो हम लोग ब्राउज करेंगे। ब्राउज पे हमारा कंप्यूटर खोल देगा, कंप्यूटर के अंदर हम लोग डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने एक फोल्डर बनाया था, सर क्वालिकाम नाम से फोल्डर बनाया था। हम ऊपर नीचे करके अपने फोल्डर को तलाशेंगे कि हमारा फोल्डर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये मिल गया। ये क्वालिकाम ड्राइवर नाम से फोल्डर था, मैंने क्वालिकाम ड्राइवर को ओपन किया, क्वालिकाम ड्राइवर खोला, क्यूसी यूजर नाम से फाइल थी, फोल्डर खोला। अच्छा मेरे पास 64 है तो हमको 64 लेना है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये वही फाइल आ रही है, सेटअप फाइल, क्या रही दोस्तों, सेटअप, देखिए सेटअप इन्फॉर्मेशन फाइल, 57 KB की फाइल है, छोटी सी फाइल है। इस फाइल को लेना, उसके बाद क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपकी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओपन करते ही सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद आपको ओके कर लेना है ऐसे। अभी तो ये कह रहा है फोल्डर कैन नॉट बी कंटेंट स्पेसिफिक, मतलब ये इसका नहीं है इसलिए नहीं लेगा। अगर आपका क्वालिकाम होता वहां पर येलो कलर का ट्रायंगल होता, जैसे ही आप लेते ओके करते तो वहां पर सबसे पहली बात क्वालिकाम आपका वहां पर स्क्रीन में लिख करके आ जाता, क्वालिकाम HS COM3 ऐसा, या COM5 COM7 ऐसा कुछ भी लिख के आ जाता, जो सबसे पहले ऊपर टॉप पे लिख करके आता है उसी को सिलेक्ट करते, और सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट कर देते। जैसे नेक्स्ट करते ड्राइवर इंस्टॉलेशन जैसा चलता और आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता और आपका मोबाइल फोन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो जाता और
आप मोबाइल फोन का जब प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो जाता, फिर आप किसी भी टूल के माध्यम से आप उसमें सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर सकते हैं, मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी, जितने भी सारी चीजें हैं सारी चीजों को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको क्वालिकॉम ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, क्वालिकॉम ड्राइवर के माध्यम से विंडो 10 11 के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही उसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे, क्वालिकॉम ड्राइवर को मैनुअली कैसे इंस्टॉल किया जाएगा और उसको कहां से जाकर कहां पर इंस्टॉल किया जाएगा, कौन सी फाइल को सिलेक्ट किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है। मैं आपको आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती तो हमारा नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर 6391711711 6391211211 इसमें से किसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इंक्वायरी के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके से अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की सभी चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। दिन में पूरा दिन में वीडियो कॉल के माध्यम से चाहो तो क्लास चलते हुए देख सकते हैं और हमने ऐसी क्लास से संबंधित बहुत सारा डेमो वीडियो भी बना रखा है। आप हमारे इस चैनल पर जाइए और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो भी मैंने बहुत सारा डेमो वीडियो डाल रखा है, उस डेमो वीडियो को वॉच करें। उस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग कितना आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज